सत्य सनातन धर्म की जय, ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं। सत्य सनातन धर्म की जय। जरा मित्रों विचार करना, ये आज का जो विषय है वो खेती से जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर या यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अक्सर मैं प्राकृतिक खेती की बात बड़ी बारीकी से करता हूँ, उसके बावजूद फिर हमको लोग व्हाट्सएप पर कुछ पिक्चर भेज देते हैं किसी न किसी क्रॉप की, और कई प्रकार की फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, और उनकी एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम लिख के हमको भेजते हैं फोटोग्राफ की, सचान साहब इसका क्या निवारण है। अब देखिएगा आप, जबकि मैं प्राकृतिक खेती में बार बार बोलता हूँ कि प्रकृति के वैभव को ठीक करना, और जब प्रकृति का वैभव आता है तो जिस जमीन में मैं फसल बोता हूँ वो जमीन कैसी है, कैसी होनी चाहिए, जमीन के नीचे वाटर लेवल कितना है, कितना कभी था और आज कितना हो गया है, जमीन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी यानी कि फॉरेस्ट एरिया, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कितने प्रकार की हैं होनी चाहिए, और आपके खेत में क्या पोजीशन है, साथ ही साथ नाना प्रकार के पक्षी और जीव जंतु ये कैसे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना, सारा का सारा खेती का जो संपूर्ण मैनेजमेंट है वो लगभग 90% नेचर के हाथ में। हमारा जो 10% मैनेजमेंट है वो है केवल किसी व्यवस्था को ठीक से बनाए रखने का, लेकिन लालची स्वभाव, स्वार्थी स्वभाव के कारण मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए और उसके अनुसार मैं अपने मन मर्जी से क्रॉप बोता हूँ, फिर मन मर्जी से उत्पादन लेने की चाहत रखता हूँ और उसी में सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो जो मैंने बोला सत्य सनातन धर्म की जय, मित्रों जो सत्य है ना, सबसे पहले सत्य है, जो सत्य है वही सनातन है और वही धर्म है। हकीकत में ये तीनों जो शब्द हैं एक ही पर्यायवाची। जो व्यक्ति सत्य नहीं जानता वो सनातन नहीं जान सकता, वो धर्म को फॉलो नहीं कर सकता, और जो धर्म नहीं जानता उसे सत्य और सनातन का पता नहीं चलेगा, और जिसे सनातन नहीं पता वो सत्य और धर्म को नहीं जान पाएगा। खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि मनुष्य की जो मूल आवश्यकता है वो खेती ही है। खेती का मतलब होता है जीवन की जो मूल जरूरतें हैं तीन, कौन सी, भोजन, पानी एवं हवा। हमको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु, दिन में 20 बार पीने के लिए शुद्ध पानी, और दिन में 2 वक्त की रोटी के लिए शुद्ध भोजन। ये सारी चीजें अगर कोई मैनेज कर सकता है तो नेचर मैनेज कर सकती है। अतः हम किसानों का, हम सारे लोगों का, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग खेती नहीं करते, और जो लोग खेती नहीं करते हैं आज की तारीख में, उनको जो खेती नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वो अपना कमाए गए पैसे से खाद्य वस्तुएं खरीद लाते हैं, पानी खरीद लेते हैं, और उनको एक गलत फहमी है कि मैं पानी खरीदता हूँ। मित्र, लेकिन पानी आता कहाँ से है, भोजन आता कहाँ से है, ये जो संपूर्ण व्यवस्था है इसको जानने का ड्यूटी सब की है, केवल किसान की नहीं है, सब की है। तो जो सत्य है वो सत्य क्या है, सत्य की बात मैं बताता हूँ आपको। और ये जो तीन शब्द है सत्य सनातन धर्म,
फिर बताऊं, अगर इन्हें हम किताब में खोजते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में खोजते हैं, तो मेरा चैलेंज है, आपको नहीं मिलेगा सत्य। न सत्य मिलेगा, न सनातन मिलेगा, न धर्म मिलेगा। मैं एक ही चीज कहता हूं, समाज शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको समाज के बीच में डिफरेंट प्रकार के जो समाज हैं उनके बीच में जाना पड़ेगा और उनकी जीवन शैली को देखना पड़ेगा, तो आप समाज शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं। लेकिन समाज शास्त्र को जानने के लिए अगर मैं कोई बड़ी से बड़ी बुक खरीद लेता हूं तो बुक में समाज शास्त्र नहीं मिलने वाला। तो आज का जो मेरा विषय है, अपने बहुत सारे दर्शकों से बार बार अनुरोध करता हूं कि अब हमारी जो दौड़ है, यानी इंसान जिस रास्ते पर दौड़ रहा है, वो रास्ता बहुत खतरनाक है और उसके बहुत कुछ परिणाम दुष्परिणाम तो हमको अभी दिखाई देने लगे हैं। आगे जो हालात होने वाले, मैंने बोला कि हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, हमको दो वक्त की रोटी चाहिए और दो वक्त की अच्छी बेहतरीन रोटी के लिए, स्वादिष्ट रोटी के लिए, वह रोटी जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करे, वो तभी संभव है जब ये प्रकृति रूपी व्यवस्था संपन्न होगी, जमीन जो है उर्वर होगी, जमीन के नीचे पानी होगा, जमीन के ऊपर नाना प्रकार की वनस्पतियां होंगी और जमीन के ऊपर नाना प्रकार के जीव जंतु होंगे, तब ये संभव है। आज की तारीख में जब मैं कहता हूँ सत्य क्या है, तो मैं फिर कहूँगा सत्य को कभी किताब में खोजने की जरूरत नहीं है, अपनी आँख खोलने की जरूरत है। परमात्मा अथवा भगवान की जो किताब है वो बिल्कुल ओपन है, खुली हुई है। भगवान ने, परमात्मा ने कुछ भी छिपाया नहीं है, उसका संपूर्ण जो कारोबार है वो आपकी आंखों के सामने, हमको बस उसको मन की आंखों से, आंखें तो वैसे मेरी ऑलवेज देखती रहती है, लेकिन देखना क्या है, देखती क्या है, ये बात अलग है। इसी का शब्द है नजरिया। हमारा नजरिया जैसे ही परिवर्तित होता है, मुझे सत्य समझ में आने लगेगा। मैं एक चीज कहता हूं, धर्म को, सनातन को, सत्य को खोजने के लिए कहीं नहीं जाना, आपको केवल अपनी आँख खोल करके इस संपूर्ण प्रकृति रूपी व्यवस्था को ठीक से देखना है और आपको पता चलेगा कि वाह क्या बात है, इस नेचर में क्या बात है। और अगर कोई बात बुरी है तो आप पाएंगे कि उसका जिम्मेदार मनुष्य है। हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी के कार्यकाल की, सब ने सुना, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने सुना है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और एक गीत भी था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज हुआ क्या, 17वीं शताब्दी में हम ज्ञान विज्ञान से परे थे, यानी कि जो आधुनिक ज्ञान है वो नहीं था मेरे पास। हमारे पास तब ट्रेडिशनल ज्ञान था, यानी प्रकृति का दिया हुआ ज्ञान था, तब मैं समृद्धशाली था। और आज जब मैं प्रकृति के ज्ञान को भूल करके, मतलब अपना जो ज्ञान बना रहे हैं ना जबरदस्ती का, जैसे ही मैं वहां आया तो गड़बड़ हो गया। मित्र, दो विज्ञान हैं, एक विज्ञान जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा, जो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया का भाव रखता है, सारे प्राणी भूमंडल पर रहने वाले 84 लाख योनियों की हर इकाई सुखी संपन्न समृद्ध हो, और ये सारा काम प्रकृति कर सकती है। और जो हमारा विज्ञान है भौतिक संसाधनों का, भौतिकवाद का, वो विज्ञान विनाश का कारण बनता जा रहा है। आज सारे के सारे लोग, किसान हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे के सारे लोग भौतिक संसाधनों के पीछे इतनी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। मैं भौतिक संसाधनों का विरोधी नहीं, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं,
प्राकृतिक संसाधनों को साथ लेकर के जब तक नहीं चलेंगे जीवन में, तब तक मनुष्य के जीवन की किसी भी समस्या का समाधान आधुनिक विज्ञान के पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्रकृति का विज्ञान है उसके पास प्रत्येक समस्या का समाधान है, और उसी समस्या का समाधान, समस्या मेरे जीवन में आए ही ना, सनातन सत्य धर्म तो वो है, अगर मुझे सत्य पता चल गया, सनातन पता चल गया, धर्म पता चल गया, और सत्य और सनातन और धर्म की राह पर मैं चल पड़ा, समस्या मेरे जीवन में है ही नहीं कोई, क्योंकि नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संसार में प्रॉब्लम जितनी भी दिखती है वो सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। उदाहरण के तौर पर मैंने बोला आज खेती का विषय है, किसान अपने खेत में कोई फसल बोता है, फिर उसकी फसल ग्रो नहीं करती, बढ़ती नहीं है। अब उसकी एक समस्या है, इस समस्या को लेकर के किसी जानकार के पास जाता है तो क्या बोलता है, मिट्टी की जांच कराइए और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। एक ऐसे ही बोल देता है हवा में, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग क्या होता है, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कौन कर पाएगा, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कहाँ मिलते हैं संतुलित उर्वरक। फिर किसान के खेत में कोई बीमारी आई तो फिर मैं बोलूंगा कि इस फंजीसाइड का उपयोग करिए। किसान के खेत में कोई कीड़ा आएगा तो फिर बोल दिया जाएगा इंसेक्टिसाइड का उपयोग करिए। किसान के फसल में खरपतवार आएंगे तो बोल दिया जाएगा वीडिसाइड का प्रयोग करिए। मित्र आप कल्पना करिए, जरा पूर्व चलिए आप थोड़ा सा पहले, क्या आज के 100 साल पहले ये समस्या थी, और अगर थी तो चलिए मेरी गलतियां रही होंगी, अन्यथा जंगल में समस्या क्यों नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सनातन को जानना है, सत्य को जानना है, धर्म को जानना है तो जंगलों में चलिए और नाना प्रकार के जीव जंतुओं को जरा देखिए। इस सृष्टि में, इस भूमंडल पर ऐसी कौन सी इकाई है जो अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चल रही है। सारी वनस्पतियां, सारे जीव जंतु, सारे पक्षी, सारे कीट पतंगे अपने उस मिशन में लगे हुए हैं जिस निमित्त के लिए परमात्मा ने उनकी रचना की थी। मनुष्य का भी कोई ना कोई निमित्त होगा, तो मनुष्य को तो कहा गया कि ये इस धरती का माली है, इस धरती का जो है सबसे सुंदर रचना है। लेकिन इस धरती की सबसे सुंदर रचना जब सत्य भूल जाती है, सनातन भूल जाती है, धर्म भूल जाती है, तो ऐसी ही समस्याओं में घिर जाती है। तो किसी भी किसान की किसी भी समस्या का समाधान आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। फिर बता दूं आपको, डंके की चोट पर तो जो मेरे फॉलोवर ये बार बार बोलते हैं कि ना सचान साहब इस फसल में ये बीमारी लग गई है, क्या करें, मैं क्या बोल दूं, मैं भी झूठ बोलने लगूं क्या कि इस फंजीसाइड का प्रयोग करिए, मेरी फसल बढ़ नहीं रही सचान साहब, मैं भी झूठ बोल दूंगा कि थोड़ा सा यूरिया का तड़का डाल दीजिए, मेरी फसल में कीड़ा लग गया, मैं बोल दूं क्या इंसेक्टिसाइड डालिए। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं सचान साहब, मैं आपसे किसी रासायनिक उपचार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्राकृतिक उपचार की बात कर रहा हूं, जैविक उपचार की बात कर रहा हूं। आप कोई जैविक उपचार बताइए कि फसल मेरी बढ़ जाए, कोई जैविक विधि बताइए जिससे मेरी फसल में बीमारी ना लगे, कोई जैविक उपाय बताइए जिससे मेरी फसल के कीड़े मर जाएं। मित्र मैंने बोला प्राकृतिक का मतलब है कि प्रकृति जिस दिन संपन्न होगी, अभी तो मैंने प्रकृति को ठीक करने के लिए काम ही नहीं स्टार्ट किया। मान लिया एक बार आपने जीवामृत डाल दिया और फिर आप कल्पना करते हैं बीमारी नहीं लगेगी, अब कीड़ा नहीं लगेगी, अब फसल बढ़ जाएगी। मित्र इस नेचर को बिगाड़ने में मैंने सैकड़ों साल लगाए हैं, तो इस नेचर को बनाने में हमें कुछ तो वक्त लगेगा ना। हमें जमीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाना है, जमीन के मर गए जीव जंतुओं को कैसे पुनर्स्थापित करना है, जमीन मेरी ऑलवेज जिंदा बनी रहे इसके लिए उसकी वर्षा के पानी को कैसे संरक्षित करना है, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खूबसूरत बनी रहे इसके लिए कितने प्रकार के पेड़ लगाने हैं। हमें जो प्रकृति का व्यवस्था है उसको, व्यवस्था को ठीक से बारीक नजरों से समझना, लालच छोड़ करके, लालच का पर्दा जब तक है ना
मैं एक चीज कई बार बोलता हूँ कि कागज का नोट जब तक मेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे घूमता है वो मुझे दुनिया देखने ही नहीं देता। तो अगर सत्य को जानना है, जैसे मैंने शुरू में बोला, सत्य सनातन धर्म की जय। इस दुनिया के 8 अरब लोग अगर ये बोले सत्य सनातन धर्म की जय, तब भी ना सत्य की जय होने वाली है, ना सनातन की जय होने वाली है, ना धर्म की जय होने वाली। सत्य की जय होगो, सत्य की जय तब होगी जब लोग सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। सनातन की जय तब होगी जब लोग सनातन संस्कृति पर चलने का काम करने लगेंगे। और धर्म की विजय तब होगी जब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे। अन्यथा धर्म के बारे में ना जाने कितनी अनर्गल बातें चल रही हैं। इसी प्रकार खेती के बारे में, तो मेरा आज का जो ये वीडियो था वो किसानों से इस निवेदन के साथ, इस अनुरोध के साथ था कि अगर आपको, जिन लोगों को मेरे विचार, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वो मेरे विचारों को फॉलो करें और इन विचारों को दूर दूर तक भेजने की कोशिश करें। क्योंकि मैं बता दूं आपको, सबका मालिक एक, ये परमात्मा, ये भगवान रूपी जो व्यवस्था हमको अपनी नज़रों से दिखती है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर के रूप में, अगर हम इसकी शरण में जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये शरीर का निर्माण, मेरे शरीर की रचना, और मेरे ही शरीर की नहीं, इस भूमंडल पर जो 84 लाख योनियां हैं, उन सब के शरीर की रचना इस पंच महाभूत से हुई है और सब के जीवन के का भरण पोषण इसी पंच महाभूत से होता है और सबको मरने के बाद इसी पंच महाभूत में विलीन हो जाना है। अगर मैं इस पंच महाभूत को कंसीडर नहीं करता हूं और इस पंच महाभूत के द्वारा रची गई 84 लाख योनियों को कंसीडर नहीं करता हूं, यानी अगर मुझे इस पंच महाभूत में भगवान या परमात्मा नहीं दिखता, अगर मुझे 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं में परमात्मा का स्वरूप, अपनी खुशियां नहीं दिखती, तो फिर दावे के साथ कहता हूं कि आप कितनी भी दौड़ लगा लेना, आखिरी में आप निराश हो जाएंगे, हार जाएंगे और अधूरा जीवन लेकर के खत्म हो जाएगा आपकी पूरी लीला। तो अगर जीवन में खुशियां चाहिए, जीवन में उल्लास चाहिए, जीवन में हर्ष चाहिए, तो किसी किताब में मत जाइए। किताब भी पढ़िए, मैं मना नहीं करता हूं, मंदिर भी जाइए, मस्जिद भी जाइए, मैं मना नहीं करता हूं, रामायण भी पढ़िए, गीता भी पढ़िए, कुरान भी, मना नहीं करता हूं। लेकिन जिसने इस प्रकृति को नहीं पढ़ा, प्रकृति को ठीक से नहीं देखा, वो कितने भी कुरान, बाइबल, गीता, उपनिषद क्यों ना पढ़ ले, तो अपने आँखों से, अपने अंतःकरण से भगवान की जो डायरेक्ट, जो मेरे सामने स्वरूप बिखरा पड़ा है, उसको ठीक से पढ़ना और उसकी व्यवस्था में, उसकी व्यवस्था के साथ जीना। यानी कि 84 लाख योनियों की जो माया है, नाना प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पानी, धरती, आकाश, जलचर, थलचर, नवचर, परमात्मा, ये भगवान रूपी जो व्यवस्था है जिसने 84 लाख योनियों की रचना की, वो क्या मूर्ख था? जैसे आज की तारीख में कोई कह देता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। मित्र इस नेचर में, इस भूमंडल पर मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। मनुष्य के सारे लोग मनुष्य की खुशहाली के लिए, प्रकृति की खुशहाली के लिए काम करने वाली सारी इकाइयाँ हैं। बस अगर कोई दुश्मन है इस धरती पर परमात्मा की, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था का, तो वो केवल मनुष्य है। हमें सुधरना है, हमको सुधरना है। कई बार मैंने बता दूं आपको, लोग कहते हैं नस्ल सुधार का कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए, अगर गाय को बचाना है तो। मैं कहता हूं दावे के साथ, अगर नस्ल किसी की खराब हुई तो मनुष्य की नस्ल खराब हुई। मनुष्य को चाहिए वो अपनी नस्ल सुधारने की कोशिश करे, यहाँ और किसी की भी नस्ल खराब नहीं है। नमस्कार।